bond is directional in nature. Say A and A are the two atoms and there is a covalent bond between these atoms. The strength of the covalent bond will depend upon the overlap of these atomic orbitals or the wave function. जितना ज्यादा overlap होगा इन दो nuclei के atomic orbitals में उतनी ज्यादा strength होगी covalent bond की. तो हम कह सकते हैं the bond formed by a given orbital will lie in a direction in which orbital has the maximum value. जिस direction में orbital की ज्यादा value होगी bond उसी direction में lie करेगा. तो हम कह सकते हैं different orbitals के लिए different overlapping के लिए different directions होंगी bond की. तो कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर और मॉलिक्यूल्स की फिर शेप्स और ज्योमेट्रीज भी डिफरेंट होंगी. तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो अलग फिनोमिना है. फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करने से पहले अभी तक हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है अगर उसके बेसिस पर देखें तो हमने सीखा था से A2 मॉलिक्यूल A और A से मिलके बना है. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका और यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे. अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड, अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है तो दो कोवेलेंट बॉन्ड. तो अभी तक अगर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी को देखें तो अगर बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसकी कोवेलेंसी जीरो. बोरोन 1s2 2s2 2p1, एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कोवेलेंसी वन. एंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास p ऑर्बिटल में तो इसकी कोवेलेंसी इज 2. बट एक्चुअल में हमें पता है कार्बन इज टेट्रावेलेंट, चार बॉन्ड बनाता है. बोरोन इज ट्राईवेलेंट एंड बेरिलियम इज बाईवेलेंट. तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं डिसाइड करेंगे कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे. देयर इज सम अदर फिनोमेना दैट इज समवट हाइब्रिडाइजेशन जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p2. अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिखें 2s2 2p2, दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको देखते हुए हमें लगता है कि कार्बन दो ही बॉन्ड बना पाएगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी है दो, लेकिन हमें पता है कार्बन एक टेट्रावेलेंट एटम है, चार बॉन्ड बनाता है. हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं मिथेन, CCl4 एंड मेनी मोर. तो कार्बन ने चार बॉन्ड कैसे बनाए, इस बॉन्डिंग कैपेसिटी को समझने के लिए हमने क्या किया, प्रमोशन कंसेप्ट यूज किया. इसमें क्या है कि ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है इनको प्रमोट कर दिया नेक्स्ट एनर्जी लेवल में. तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में ट्रांसफर कर दिया. अब 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2p के पास तीन इलेक्ट्रॉन है. अब हमारे पास चार ऑर्बिटल हैं, चारों में एक 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 इलेक्ट्रॉन है. तो यहां से हम कह सकते हैं कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा और इट इज अ टेट्रावेलेंट एटम. अब अगर CH4 में देखें तो कार्बन ने अपने चार ऑर्बिटल यूज किए हैं, एक ऑर्बिटल 2s है और तीन ऑर्बिटल 2p है. मतलब इनसे बनने वाले जो कार्बन के चार बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, एक में 2s ऑर्बिटल यूज हुआ है, मान लो इसमें यूज हुआ है 2s ऑर्बिटल कार्बन का, बाकी तीन में 2p ऑर्बिटल यूज हुआ है. तो इसकी वजह से इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इस बॉन्ड से डिफरेंट होनी चाहिए और डिफरेंट एनर्जी होनी चाहिए.
लेकिन हमें पता है CH4 के जो चारों बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है, उनकी लेंथ भी सेम है और एनर्जी भी सेम है, तो सिर्फ प्रमोशन कंसेप्ट ही सफिशिएंट नहीं है इस इक्विवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे चारों बॉन्ड CH4 में इक्विवेलेंट हैं। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज एंड टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड द शेप, मतलब स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल। यहाँ हम कार्बन के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 2s और 2p एनर्जी में बहुत कम डिफर करते हैं, तो इन चारों ऑर्बिटल में ये क्या करते हैं, आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, उस इंटरमिक्सिंग से चार नए ऑर्बिटल बनते हैं, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब वो जो चार नए ऑर्बिटल बनेंगे आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फोर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट होगी, उनकी शेप भी इक्विवेलेंट होगी, और उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एक 2s और तीन 2p मिलके चार नए ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1s और 3p। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s एंड 3p। चार sp3 नए ऑर्बिटल बनेंगे, चारों sp3 हैं, sp3 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 एंड sp3, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज करते हैं, और फर्दर आगे बॉन्डिंग हम उसकी हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे, यहां चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे थे, इन चारों ने मिलके हाइब्रिडाइजेशन करी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी चार बनेंगे। सपोज यहां दो ऑर्बिटल होते, एक एस और एक यहां से पी, तो दो ही नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते। तो जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। सेकेंड, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड द शेप। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन सबकी शेप बराबर होगी, उन सबकी एनर्जी बराबर होगी। एंड थर्ड इज, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में अरेंज कर रहे हैं, वो चीज डिसाइड करेगी कि क्या ज्योमेट्री मॉलिक्यूल अटेन करेगा। हम इसको समझेंगे फर्दर एग्जाम्पल्स में। तो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कंडीशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज, ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हमने लिखी थी 1s to 2s to 2p2। हियर इज सेकेंड शेल विच इज वैलेंस शेल, तो सिर्फ वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जो इनर ऑर्बिटल है दैट इज 1s2 हेयर, दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड इज स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। जिन ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहां पर 2s और 2p की हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। मान लो आगे 3s हो, 3p हो, और हम कह दें 2p और 3p हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज अ लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। थर्ड इज, प्रमोशन इज नॉट एसेंशियल। यहां पर हमने प्रमोशन किया इस एक इलेक्ट्रॉन का इस 2p ऑर्बिटल में, यहां जरूरत थी इसीलिए किया। कार्बन को चार मोल बनाने थे तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो इसीलिए हमने प्रमोट कर दिया। तो प्रमोशन इज नॉट एसेंशियल। अगर चाहिए, अगर जरूरत है प्रमोशन की तो हम करेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि प्रमोशन के बाद ही हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एवरी केस। फोर्थ वन इज,
फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, भले ही वो एज अ लोन पेयर बाद में रहे ज्योमेट्री के साथ। ये हम फर्दर एग्जाम्पल्स में स्टडी करेंगे कि कैसे। तो हाइब्रिडाइजेशन हम समझेंगे डिफरेंट केसेस से। हमारे पास काफी तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2, sp3, sp3d एंड सो ऑन। तो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस, दैट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करेंगे, दैट इज BeH2, बेरिलियम डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ग्राउंड स्टेट में 2s2 में 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल इसका वैकेंट है। क्योंकि इसको दो बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को फर्दर 2p ऑर्बिटल में प्रमोट कर देंगे। तो दैट इज इट्स एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। यहां 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी दो वैकेंट है। तो यहां हमें दो ही ऑर्बिटल्स की जरूरत है। एक s और एक p मिलके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और दो नए sp ऑर्बिटल बनाएंगे। s की शेप स्फेरिकल है, p की शेप डंबल है। इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन की तो नए दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। एक की शेप ये है और दूसरे की शेप ये है। तो ये अपने आपको एक लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं। यहां 180 डिग्री का एंगल है। तो दो नए sp ऑर्बिटल बनते हैं। अब फर्दर इन दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है। हाइड्रोजन 1s1 1s1। तो हाइड्रोजन स्फेरिकल एटम हेयर एंड अनदर हाइड्रोजन इज हेयर। तो ये दोनों हाइड्रोजन इन दो sp ऑर्बिटल के साथ जो बेरिलियम के हैं बॉन्डिंग करते हैं, और यहां ओवरलैपिंग होती है इन ऑर्बिटल्स के बीच। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो मोर ओवरलैप विल लीड टू द मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दिस इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा कि 180 डिग्री का एंगल बनता है और लीनियर ज्योमेट्री है। एग्जाम्पल लिया था हमने बेरिलियम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। इस sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है। द नेक्स्ट टाइप इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है BF3 का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। यहां जो सेंट्रल एटम है दैट इज बोरोन, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अगर ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखे वैलेंस शेल की, तो यहां 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये ट्राइवेलेंट है, यहां तीन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां 2p में प्रमोट कर देंगे। तो अब हमारे पास एक नया सेट बनता है। यहां 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में दो इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ये तीन ऑर्बिटल 2s और ये दो जो है वो 2p ऑर्बिटल मिलके अपने नए ऑर्बिटल बनाते हैं या हाइब्रिडाइज करते हैं। तो हमारे पास तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो कौन है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इनकी शेप समझने की कोशिश करें, s की शेप है राउंड शेप, और जो p है हमने p के दो ऑर्बिटल को से इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये शेप ड्रॉ करी है px और py की। आफ्टर इंटरमिक्सिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन 1s
ये जो 2p ऑर्बिटल हैं ये अपने आप को इस ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, जहां पर तीन नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जो 120, 120 और 120 के एंगल पर अपने आप को अरेंज किए हुए हैं। उसके बाद बोरोन को तीन फ्लोरीन के साथ भी बॉन्डिंग करनी है। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5, टी में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेगा बोरोन के इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ। बोरोन के जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये फ्लोरीन के इस 2p5 में जो ये ऑर्बिटल है इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं, जो मैंने ब्लू डंबल शेप पी से दिखाए हुए हैं। तो ये यहां बॉन्डिंग होती है, यहां ओवरलैपिंग होती है बोरोन के हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन के इस 2p ऑर्बिटल के बीच में। इस बॉन्डिंग के बाद जो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज करता है, जहां पर एंगल कितना है 120 डिग्री। यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर है 33% एंड p करेक्टर इज 67%। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जहां हमने एग्जांपल लिया है मिथेन का। मिथेन में कार्बन इज द सेंट्रल मेटल एटम, जहां कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, एंड आफ्टर प्रमोशन ऑफ दिस 2s इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, एक s राउंड शेप में और तीन p अलोंग px, py एंड pz एक्सिस। ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद अपने आप को इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं, एंड नाउ वी हैव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 109.5 डिग्री के एंगल पर अरेंज्ड हैं। आफ्टर दिस कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करनी है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। यहां पर जो ये स्फेरिकल हाइड्रोजन है ऑर्बिटल है, यहां पर ओवरलैप करता है हर sp3 ऑर्बिटल के साथ। और फाइनली वी हैव CH4 मॉलिक्यूल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d। यहां पर एक s, 3p और 1d मिलके हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। द एग्जांपल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ pf5, दैट इज फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड। सेंट्रल मेटल एटम है फॉस्फोरस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस, यहां से हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, दैट इज 3s2 एंड 3p3। 3d है लेकिन वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि फॉस्फोरस यहां पर पेंटावेलेंट है तो एटलीस्ट 5 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो ये यहां प्रमोट होने के बाद डी ऑर्बिटल में चला गया, तो अब एक एस, ये 3p और 1d मिलके 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। दीज आर sp3d ऑर्बिटल्स। ये नए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के जो 2p5 में एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, और फाइनली वी हैव pf5 मॉलिक्यूल। अब ये जो sp3d थे फ्लोरीन से बॉन्डिंग करने से पहले अपने आप को एक ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, दैट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। ये कैसी ज्योमेट्री है जिसमें ये तीन लोब जो है अपने आप को एक ट्राइगोनल प्लेनर की शेप में अरेंज करते हैं। ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, और ये जो दो लोब हैं ये अबोव द प्लेन है, दिस इज बिलो द प्लेन। इन तीनों लोब्स के बीच जो एंगल है दैट इज 120 120 120 एंड 120, और ये जो अबोव और बिलो लोब हैं इनका एंगल इस प्लेन से 90 डिग्री, और नीचे वाले का भी इस प्लेन से 90 डिग्री एंगल है।
तो आफ्टर फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग, मैंने इसको इस तरह से यहां दिखाया है, फोस्फोरस फ्लोरीन 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 ये चारों एक ही प्लेन में हैं और 120 120 120 के एंगल पर अरेंज्ड हैं। ये जो फ्लोरीन है इस प्लेन से ऊपर है और ये जो फ्लोरीन है इस प्लेन से नीचे है। दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दो पिरामिड बनते हैं प्लेन से, एक ऊपर एक प्लेन से नीचे, तो दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट। इसमें खास बात क्या है कि इन दोनों बोन को हम बोलते हैं एक्सियल बोन, और जो इस ट्राइगोनल प्लेनर में बोन है उनको बोलते हैं हम इक्विटोरियल बोन। ये जो एक्सियल बोन है वो इन इक्विटोरियल बोन से थोड़े लॉन्गर होते हैं, उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है। ऐसा क्यों? दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। होता क्या है, मान लो इस बॉन्ड को हम 1 से रिप्रेजेंट करें और जो इस प्लेन में बॉन्ड है उनको 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करें और इस एक्सियल बॉन्ड को 5 से रिप्रेजेंट करें, तो हम देखते हैं कि एक्सियल बॉन्ड कितनी रिपल्शन फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, एंड इक्विटोरियल बॉन्ड कितनी रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। अगर एक्सियल बॉन्ड है तो उसको रिपेल करने वाले बॉन्ड है 1, 2, 3 तीनों इक्विटोरियल वाले जो 90 डिग्री पर रिपल्शन कर रहे हैं इससे, और एक ये बॉन्ड जो 180 डिग्री पर रिपल्शन कर रहा है। रिपल्शंस एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से कोई रिपल्शन नहीं होगी, तो ये बॉन्ड एक्सपीरियंस करता है सिर्फ 3 तरह की रिपल्शन जो इस बॉन्ड से मिल रही है, इस बॉन्ड से मिल रही है और इस बॉन्ड से मिल रही है। तो एक्सियल पोजीशन पर जो बॉन्ड है वो 3 तरह की रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू दीज 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स। नाउ अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे मैं ये बॉन्ड ले लूं 4th one, तो इसको कहां कहां से रिपल्शन मिल रही है? इसको रिपल्शन इस बॉन्ड से मिल रही है, ये 90 डिग्री पर है। इसको रिपल्शन इस बॉन्ड से मिल रही है, ये भी 90 डिग्री पर है। इसको रिपल्शन इन दोनों बॉन्ड से भी मिल रही है, बट ये दोनों बॉन्ड इस बॉन्ड से 120 डिग्री के एंगल पर हैं, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिपल्शन शो करते हैं। तो इक्विटोरियल पोजीशन पर आने वाला ये बॉन्ड दो ही तरह की रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, एक इस बॉन्ड से एक इस बॉन्ड से। तो इक्विटोरियल बॉन्ड ने 3 तरह की, एक्सियल बॉन्ड ने 3 तरह की रिपल्शन एक्सपीरियंस की और इक्विटोरियल बॉन्ड ने 2 तरह की रिपल्शन एक्सपीरियंस की। इसमें ज्यादा रिपल्शन है यहां पर, तो इस वजह से जो एक्सियल बॉन्ड है दीज आर समवट लॉन्गर देन दीज इक्विटोरियल बॉन्ड्स। तो यहां पर जो 5 पीएफ बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट नहीं होते, या जो 3 इक्विटोरियल बॉन्ड है वो थोड़े छोटे हैं as compared to these two axial bond. This is due to electronic repulsions in this arrangement. तो PF5 में geometry क्या है? sp3d trigonal bipyramidal, और shape क्या है molecule की? That is also trigonal bipyramidal. Now the next hybridization is sp3d2 hybridization, जहां 1s 3p और 2d मिलके sp3d2 hybridization बना रहे हैं। The example is SF6 sulfur hexafluoride. Sulfur is the central atom and electronic configuration is this. 3s2 3p4 is valence shell electronic configuration. 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पर S जो है दैट इज हेक्सावेलेंट, 6 इसको बॉन्ड बनाने हैं, तो हम 6 ऑर्बिटल्स का यूज करेंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देते हैं इन वेकेंट D ऑर्बिटल्स में, तो आफ्टर प्रमोशन 1s ये 3p और 2d मिलके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। यहां जो D ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं वो dz² और dx²y² है, तो ये 6 ऑर्बिटल मिलके फिर फर्दर फ्लोरीन के इस सिंगल इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं और SF6 मॉलिक्यूल बनता है। तो sp3d2 की जो शेप है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ये 4 ऑर्बिटल एक प्लेन में हैं,
ये ऑर्बिटल प्लेन से ऊपर है, ये प्लेन से नीचे है, दिस इज समवट लाइक ऑक्टाहेड्रल, जहां सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। SF6 में ये स्क्वेयर प्लेनर, इतना इतना यहाँ हर एंगल 90 डिग्री है, 90, 90 एंड 90। ये जो SF है, ये और इस SF के बीच में भी 90 का एंगल है, और नीचे भी ये जो SF है और ये जो सारे SF है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। SP3D2 में SF6 की ज्योमेट्री है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पर कौन से डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, दैट इज DZ² एंड DX²Y². SP3D में हमारे पास जो डी ऑर्बिटल यूज हुआ था वो था DZ². नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक एस, 3p और 3d ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल इज IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, इंटरहेलोजन कंपाउंड है ये एक। आयोडीन इज सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर 53 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। यहां पर 5s2 और जो 5p5 हैं, दीज आर वैलेंस शेल्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 5s2 एंड 5p5। 5d इज वैकेंट हेयर। आफ्टर प्रमोटिंग दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करो, इसको करो और इसको करो डी ऑर्बिटल में, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। यहां पर एक एस, 3p और 3d मिलके रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और नए 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहां पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, DXY, DYZ और DXZ। These 7 hybrid orbital will further overlap with the orbital of F. 7 फ्लोरीन के साथ ओवरलैप होंगे और बॉन्डिंग होगी, IF7 मॉलिक्यूल बनेगा। यहां पर अरेंजमेंट होती है पेंटागनल बाय पिरामिडल अरेंजमेंट। एक आयोडीन 5 फ्लोरीन एटम के साथ एक प्लेन में अरेंज है, एक पेंटागन बनता है, जहां पर हर एंगल 72 डिग्री का है, और 2 फ्लोरीन इस प्लेन से एक ऊपर है, फ्लोरीन एक नीचे है, ये अपने आप को एक्सियल पोजीशंस पर अरेंज करते हैं। तो हमारे पास एक जो जो फाइनल ज्योमेट्री बनती है दैट इज पेंटागनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। यहां पर जो एक्सियल बोन्ड है इस पेंटागन के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, तो क्योंकि यहाँ बोन्ड एंगल डिफरेंट है, 5 बोन्ड एंगल 72 डिग्री है और बाकी बोन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ बोन्ड लेंथ भी अलग अलग होती है। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, जहां पर PF5 का एग्जाम्पल था, तो सिमिलर केसेस हेयर। यहाँ पर एक्सियल बोन्ड लेंथ रिपल्शन की वजह से थोड़ी लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू द इक्विटोरियल बोन्ड लेंथ। दिस इज ऑल अबाउट SP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तक हमने जितनी हाइब्रिडाइजेशन करी है उनकी यहाँ एक टेबल है। SP हाइब्रिडाइजेशन में हमारी जो अरेंजमेंट थी SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वो लीनियर थी। एग्जाम्पल हमने BeH2 का लिया और ज्योमेट्री जो फाइनल बनी वो भी लीनियर थी। एंगल था बॉन्ड एंगल दैट इज 180 डिग्री। इन SP2 हाइब्रिडाइजेशन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ने अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज किया। BF3 का एग्जाम्पल लिया था हमने, इसकी फाइनल ज्योमेट्री थी दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर एंड बोन्ड एंगल इज 120 डिग्री। इन SP3 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। द एग्जाम्पल इज मीथेन एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड एंगल इज 109.5 डिग्री। इन SP3 अरेंजमेंट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल इज PF5 एंड फाइनल ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एंगल 2 तरह के हैं, 120 डिग्री बिटवीन इक्विटोरियल बोन्स एंड 90 डिग्री एंगल बिटवीन इक्विटोरियल एंड एक्सियल बोन। इन SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल वॉज टेकन इन द फॉर्म ऑफ SF6।
फाइनल ज्योमेट्री वाज ऑक्टाहेड्रल एंड बोन एंगल आर इक्वल, दैट इज 90 डिग्री. सारी बोन लेंथ और सारे बोन एंगल ऑक्टाहेड्रल में सेम है. इन sp3d3 अरेंजमेंट इज पेंटागोनल बायपिरामिडल, एग्जाम्पल IF7. फाइनल ज्योमेट्री इज ऑल्सो पेंटागोनल बायपिरामिडल. बोन एंगल दो तरह के हैं, जो पेंटागन है उनमें सारे बोन एंगल 72 डिग्री के हैं, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का जो बोन एंगल है दैट इज 90 डिग्री. यहां पर मैंने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट लिखी है और फाइनल ज्योमेट्री अलग लिखी है. फाइनल ज्योमेट्री मीन्स अलग अलग कॉलम में लिखी है. यहां फाइनल ज्योमेट्री मैच कर रही है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री के साथ. फर्दर हमारे पास ऐसे केस आएंगे जहां पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को किसी और ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे और फाइनल मॉलिक्यूल की जो शेप होगी दैट इज डिफरेंट. तो मतलब ज्योमेट्री एंड शेप आर टू डिफरेंट कंसेप्ट.